पाकिस्तान के चुनावों पर तमाम देशों की नजरें टिकी हुई हैं। सियासी उठापटक झेलने के बाद अब पाक आवाम को अपना नया वजीर आजम मिल जाएगा और ऐसे में पाकिस्तान का सबसे अजीज दोस्त चीन की सांसें इन चुनावों में अटकी हुई है। आखिर किस बात का डर ड्रैगन को सता रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। भारत से अलग होकर पाकिस्तान जब से वजूद में आया है तब से लेकर आज तक कई बार तख्ता पलट हुआ तो वहीं ज्यादातर वक्त तानाशाही रही और ऐसे में पाकिस्तान का हमदर्द और अजीज दोस्त चीन है जो शुरुआत से ही पाकिस्तान के आम चुनावों पर नजरें बनाए हुए है। शी जिनपिंग को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उसके सपने को किसी की नजर ना लग जाए। जी हाँ, आपने ठीक समझा, चीन पाक आर्थिक गलियारा जिसको लेकर चीन के 62 अरब डॉलर दांव पर लगे हुए हैं। नवाज शरीफ की सरकार में चीन ने आर्थिक गलियारे की नींव रखी थी लेकिन नवाज के जेल जाने से अब सीपीईसी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सूबे में कहीं क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की सरकार ना बन जाए, इस पर चीन की सांसें अटकी हुई है क्योंकि इमरान खान शुरुआत से ही आर्थिक गलियारे की आलोचना करते आए हैं और ऐसे में अगर तहरीके इंसाफ की सरकार बनती है तो इमरान खान के नेतृत्व में आर्थिक गलियारे की रफ्तार पर ब्रेक भी लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से कहा गया है कि सूबे में भले ही किसी की भी सरकार आए ड्रैगन सरकार के साथ पूरा सहयोग करेगा। फिलहाल ये देखना दिलचस्प है कि मतदान के बाद आवाम किसे अपना वजीर आजम बनाती है।